विधायक देवेंद्र सिंह बबली आज मंत्री बनकर पहली बार टोहाना पहुंचे हैं। टोहाना पहुंचने पर उनका स्वागत किया जा रहा है। टोहाना वासियों की ओर से सीधी तस्वीरें एवन हरियाणा के माध्यम से आप तक दिखा रहे हैं। भाई देवेंद्र सिंह बबली जी का स्वागत समारोह बड़ी धूमधाम से टोहाना में मनाया जा रहा है। सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं, सीधी तस्वीरें की लहर। देवेंद्र सिंह बबली के विधायक बनने के बाद अब मंत्री बने हैं। मंत्री बनने के बाद पहला राउंड उनका टोहाना के अंदर, सीधी तस्वीरें आप तक। आज टोहाना के अंदर खुशी की लहर झूम उठा है। टोहाना देवेंद्र सिंह बबली सभी का सम्मान करते हुए, मार्केट का राउंड करते हुए मंत्री देवेंद्र सिंह बबली, बहुत ही आज खुशी का दिन और उतना ही उत्साह कार्यकर्ताओं के अंदर देखने को मिल रहा है। देवेंद्र सिंह बबली, खुशी की लहर अब टोहाना में आ चुकी है जब से देवेंद्र सिंह बबली कैबिनेट मंत्री बने हैं। सीधी तस्वीरें एवन हरियाणा से आप तक। देवेंद्र सिंह बबली के स्वागत में आज टोहाना में उमड़ा जनसैलाब। आज ये रोड शो देवेंद्र बबली के सम्मान में निकाला जा रहा है। आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं एवन हरियाणा के माध्यम से। एवन हरियाणा के माध्यम से सीधी तस्वीरें आप तक। देवेंद्र सिंह बबली के सम्मान समारोह में आज जनसैलाब उमड़ा है टोहाना के अंदर। देवेंद्र बबली के भाई छोटे भाई मनोज बबली और जाखल के कुछ युवा कार्यकर्ता उनका सम्मान करते हुए। सीधे तस्वीरें आप तक एवं हरियाणा के माध्यम से देवेंद्र सिंह बबली के सम्मान में आज जनसैलाब उमड़ा है। आज देवेंद्र सिंह बबली राज्य मंत्री बनने के बाद टोहाना पहुंचे हैं तो उनके करीब किसानों के मसीहा विधायक काफिला चल रहा है तो इसमें क्या हिदायतें दी गई हैं और जैसे बिना मास्क के क्या प्रशासन कहीं ना कहीं फंसा हुआ नजर आता है सर? हमारी टीमें और मैं खुद भी पिछले सप्ताह से जब गाइडेंस शुरू हुई, बस स्टैंड भी चेक किए, मार्केट भी गया, हमारे बहुत सारे ऑफिसर्स फील्ड में हैं वो भी चलान कर रहे हैं। तो चलान करना तो एक इफेक्ट होगा ही होगा सोसाइटी में, लेकिन मेन मकसद हमारा लोगों को समझाएं और अपने आप हरेक आदमी यदि फॉलो करेगा तो तभी बचाव हो पाएगा। तो अभी भी मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि मास्क की यूज़ करें और सोशल डिस्टेंसिंग करें। सर आम आदमी के चलान काटे जा रहे हैं, लेकिन खुद जो इस प्रोग्राम में आप आए हैं मंत्री जी बिना मास्क के काफिले के अंदर नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, मुझे भी हम सभी को रिक्वेस्ट भी करेंगे और ताकि फॉलो करें सभी गाइडलाइंस का
कहने का भाव सर यही रहता है, हमारे पास मास्क हमने रखे हुए हैं ताकि जितने भी कुछ दिखाई देता है, तो ये तो हर एक आदमी ड्यूटी बनती है खुद। सोहाना के नागरिक अस्पताल के वीडियो वायरल हो गया सर, जो स्टाफ नर्स है वो बगैर मास्क के दिखाई दे रही है, उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, उसमें भी उनको डायरेक्शन देंगे, सीमा साहब को कहूँगा भी कार्रवाई भी करेंगे, हॉस्पिटल स्टाफ को भी जरूर यूज करना चाहिए मास्क को, और आम पब्लिक को तो बाद में फॉलो करना ही करना है। लेकिन सबसे पहले तो हम जो ऑफिसर्स हैं, जो नर्स स्टाफ है, हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स हैं, वो फॉलो करेंगे तो ही आगे उनसे लोग भी फॉलो करें। तो कुछ लोग थे वहाँ भी, लेकिन ज़्यादातर ने मास्क यूज़ किया हुआ। नागरिक अस्पताल में सर दीवार बनाई जा रही है, उसके अंदर प्लेट का यूज की जा रही है, उस पर क्या तो मैं अभी चेक नहीं कर पाया, मैं जल्दी से इधर आ गया था, होगा तो उस पर कार्रवाई करेंगे, काम को रोकूंगा। सर आर्टिकल 15 की बात करी जाए तो सर वो कब लागू होगा, क्योंकि VIPs और नागरिक के बीच में सब इनइक्वालिटी ही दिखाई दे रही है, आर्टिकल 15 सर मिसिंग दिखाई दे रहा है? ऐसा नहीं है, सभी के लिए है, अभी मैं प्रोग्राम कर रहा हूं। थैंक यू। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।